बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आईएएस छवि रंजन ने ईडी से 2 सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि सेना की जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि लैंड स्कैम मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो जमीन घोटाले के तार आईएएस छवि रंजन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ईडी छवि रंजन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही थी। हालांकि इन सब के बीच बता दें कि आज पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा छवि रंजन को बुलाया गया था, लेकिन छवि रंजन ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी अंकुर के साथ, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आईएएस छवि रंजन को आज ईडी जाना था, ईडी कार्यालय पहुंचना था, पूछताछ होनी थी उनसे, लेकिन इन सबके बीच खबर यह आ रही है कि 2 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज पूर्व उपायुक्त रांची के छवि रंजन ने आज ईडी को पहुंचना था, ऐसे में अब उन्हें छवि रंजन ने 1 सप्ताह का समय जो है वो ईडी से मांगा है। अब देखने वाली बात है कि ईडी पूरा समन जारी करती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लैंड स्कैम मामले पर आज छवि रंजन से पूछताछ होनी थी, लेकिन छवि रंजन ने आप समय मांगा है तो अब ईडी कब तक का समय देती है, ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम चीजों में आपको बता दूं कि जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे ही पूछताछ जो है वो की जा रही है और उनको रिमांड पर लिया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि छवि रंजन कब तक आ रही है। बिल्कुल अंकुर, 2 सप्ताह का समय मांगा गया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ यहां पर जिस तरीके से ईडी लैंड स्कैम मामले में पूरी जांच कर रही है, और भी कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए, लगातार जो 7 आरोपी है उनसे सेना की जमीन से लेकर के तमाम जो जमीन का कारोबार है उसको लेकर दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। और ऐसे में अब जब आर्मी लाइन की अगर बात हो तो छवि रंजन का पूछताछ जो है वो की जा रही है और इसी को लेकर के अब कड़ी पूछताछ जो है छवि रंजन से की जाएगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी जो है छवि रंजन देते हैं, क्या कुछ दस्तावेज वो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छवि रंजन पर अब जांच गिरेगी क्योंकि ईडी ने सारी तैयारी कर ली है। और अब जब ईडी समय देती है, समन देती है, दूसरा समन जब देती है तो छवि रंजन आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़े थे लैंड स्कैम मामले में। बता दें आपको कि आज छवि रंजन को ईडी बुलाया गया था, ईडी कार्यालय उन्हें जाना था, पूछताछ होनी थी, लेकिन इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी कि ईडी अब दूसरा समन कब जारी करती है।